हेलो डिसाइपल्स वेलकम बैक टू माय क्लास आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फोर की जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 चल रही है चैप्टर वन की उसमें हम क्वेश्चन नंबर फोर को डिस्कस करने वाले हैं आज तो क्वेश्चन नंबर फोर सेन रेशनल नंबर्स बिटवीन माइनस टू एंड वन बाई मतलब इन दो नंबर्स के बीच में हमें दस रेशनल नंबर्स को निकालना है ठीक है तो हमें पता है किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं जी हाँ इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं किन्हीं भी दो सो so, वन और टू है तो इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं कि हमें पता होना चाहिए तो किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में भी ऑब्वियसली इनफाइनाइट होंगे तो हमसे पूछा है सिर्फ टेन रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे तो देखिए हमें सबसे पहले तो लिख लेते हैं हमारे पास नंबर कौन कौन से हैं ठीक है हमारे पास गिवन है माइनस टू एंड हमें गिवन है ठीक है वन टू ये हमें दो नंबर्स की बन है तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है मैं बता दे रहा हूँ बहुत ही सिंपल तरीका है सबसे पहले हम क्या करेंगे दोनों या तीनों जितने भी नंबर ऑब्वियसली दो ही नंबर होंगे उन्हीं के बीच में निकालना होगा तो दोनों नंबर्स का हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करते हैं हम या तो अपनी तरफ से ऐसे नंबर चूज कर लें जिसको इसमें मल्टीप्लाई करें और इसमें मल्टीप्लाई करें तो दोनों का सेम बन जाए अभी के लिए जैसे माइनस टू बाई फाइव है ठीक है तो हम इसको अगर हम टू से मल्टीप्लाई ऊपर और से 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 नीचे, इसको इसको थोड़ा सा हम हम सही से लिख दें, तो से ये कितना है -2 by है, अगर ऊपर कर लें वन बाई टू को फाइव से ऊपर माइनस फोर बाई टेन आ जाएगा और यहां पर फाइव बाई टेन आ जाएगा तो देखिए दोनों का डिनोमीटर क्या हो गया सेम हो गया बट ये तो आप अगर सोच पा रहे हो तब ये सीनारियो तब आता है बट अगर आप ऐसा नंबर है जो बड़ा है और समझ में नहीं आ रहा है तब के लिए आप क्या करोगे तो तब आपको करना ये है तो फिलहाल इसको हम हटा देते हैं अभी तब आपको क्या करना है तब आपने डिनोमिनेटर दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है ओके यस एलसीएम लेना है तो एलसीएम आप जब लोगे तो हम देख रहे हैं दोनों ही क्या हैं हमारे पास आ, प्राइम हैं तो अपने ही नंबर से डिवाइड होंगे राइट right? तो ये हो जाएगा ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमारे पास क्या आ जाएगा टेन ही क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा ठीक है तो एलसीएम हमारा जो आया वो टेन आया तो अब हमें क्या करना है देखिए हमें बेसिकली एलसीएम जो भी आता है वो डिनोमिनेटर होना चाहिए दोनों का अब वो कैसे होगा तो उसका तरीका ये होता है कि हम इस टेन को पहले इस फाइव से डिवाइड करें इस टेन को फाइव से डिवाइड करेंगे फाइव से डिवाइड करने पे जो भी आएगा टू आएगा ऑब्वियसली टू आया इस टू को हम क्या करेंगे इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस टू बाई फाइव हमें है अब हम क्या करेंगे इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे टू से ठीक है यही तरीका है सबसे पहले तो हम क्या करेंगे दोनों का एलसीम लेंगे जो भी एलसीएम आएगा उसको क्या करेंगे फर्स्ट वाले के से डिवाइड डिवाइड कर देंगे। divide करने पे जो करेंगे. तो, 10 को 2 से करेंगे. 5 आएगा, तो हम क्या करेंगे इसको ऊपर नीचे फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब हमें यहाँ पर बेसिकली वो नंबर पता चल जाएगा जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाए डिनोमिनेटर सेम मिल जाए जैसे हमने सोचा था खुद से कि हाँ अगर टू से इसको फाइव से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो सेम मिल जाएगा ऐसे ही इसमें क्या होगा आप यहाँ से निकाल सकते हो ठीक है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस फोर बाई कितना हो जाएगा टेन और ये, ये कितना हो जाएगा फाइव बाई टेन अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर के बीच हम नंबर्स को काउंट कर सकते हैं अब अगर हम देखें तो हम क्योंकि इनके बीच के नंबर्स निकालने हैं मतलब ये नंबर्स नहीं होने चाहिए तो हमारा एक हो जाएगा माइनस थ्री बाई टेन राइट माइनस थ्री माइनस टू अभी हम डिनोमीटर लिख देंगे माइनस वन पहले चेक कर लेते हैं हमारे पास टेन नंबर्स हैं या नहीं है देन जीरो वन टू थ्री फोर टेन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट हमारे पास एट ही ऐसे रेशनल नंबर्स हैं जो इनके बीच में है तो हमें और नंबर्स की जरूरत होगी तो फिलहाल अभी हम इसको इरेज करते हैं थोड़ी सी स्पेस मिले हमें मैं आपको बताऊं और नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं ठीक है इसको भी डिलीट कर देते हैं ठीक है ओके आ, ये रह गया ठीक है तो अभी हमने किससे किया था सॉरी यहां पर मुझे वाला नंबर लिखना पड़ेगा माइनस फोर बाई टेन आया था है ना, इसको जब हम हमने किया था और ये आया था फाइव बाई टेन राइट अब हमें क्या है अब हमें क्या है इसके बीच में नंबर्स नहीं मिलना है तो उसके लिए हमें करना ये होगा कि हम इसको थोड़ा सा बड़ा न्यूमरेटर हमें थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं टू से अगर हम ऊपर नीचे फिर से मल्टीप्लाई कर दें मतलब इसके इक्वा लिखे लिखें अगर तो माइनस फोर बाई टेन को अगर हम क्या कर दें फिर से टू से नीचे टू से ऊपर एंड इसमें भी क्या करें टू से ही कर देते हैं क्योंकि अगर टू से नहीं करेंगे तो डिनोमीटर सेम नहीं आएगा तो इसको देखते हैं कितना मिलेगा हमें हमें मिल जाएगा माइनस एट बाई ट्वेंटी एंड ये हो जाएगा टेन बाई ट्वेंटी राइट इतना ही तो मिलेगा टेन बाई ट्वेंटी ये हो गया अब देखिए अब ये हमारे पास दो नंबर्स हो गए इनके बीच अब हमें दस बहुत ही ईजिली मिल जाएंगे देखिए कौन कौन से मिलेंगे सबसे पहले आ जाएगा माइनस सेवन बाई ट्वेंटी देन माइनस सिक्स बाई ट्वेंटी माइनस फाइव बाई ट्वेंटी माइनस फोर बाई ट्वेंटी माइनस थ्री बाई ट्वेंटी माइनस वन बाई सॉरी टू बाई ट्वेंटी हो जाएगा माइनस टू बाई ट्वेंटी माइनस वन बाई ट्वेंटी आप चाहो तो जीरो को इग्नोर भी कर सकते हो ठीक है जीरो भी लिख सकते हो जीरो भी इन्हीं के बीच का रेशनल नंबर है तो लिख सकते हो ठीक है वन बाई ट्वेंटी अब जीरो के नीचे ट्वेंटी नहीं लिखा क्योंकि जीरो अपॉन समथिंग अपॉन सॉरी जीरो अपॉन समथिंग होता है जीरो ही हो जाता है ठीक है चाहो तो आप ट्वेंटी इसके नीचे लिख सकते हो बट उसका कोई सेंस नहीं बनता है ठीक है तो ये हो जाएगा अब काउंट कर लेते हैं पहले हमारे पास अगर टेन मिल गए तो हम यहीं पर लीव कर सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन हमें मिल गए तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया बहुत सिंपल ठीक है मैं आपको फिर से एक बार बता दूं क्या करना है इसमें देखिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हमारे पास जो भी दो रेशनल नंबर्स दिए होंगे उनका डिनोमिनेटर सेम करना है हर हाल में उसको सेम करने के लिए या तो आपके मन में ऐसा नंबर आ रहा हो दोनों को मल्टीप्लाई आपस में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर बन जाए नहीं आ रहा है तो सिंपल तरीका है दोनों का एल्सीय ले लीजिए जो भी एल्सीयम आएगा वही दोनों का डिनोमिनेटर होगा अब उसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं हमें नंबर पता करना है कैसे करेंगे तो हम जो भी हमें एल्सियम मिला है ना उसको दोनों नंबर्स के डिनोमीटर से एक एक करके डिवाइड कर लो जैसे यहाँ पर फाइव था तो फाइव से हमने टेन को डिवाइड कर लिया क्योंकि हमारे पास एल्सियम आया था टेन इसको डिवाइड किया हमें टू मिला जो नंबर मिला ना हमें उसी से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे मतलब टू से भी मल्टीप्लाई करना है फाइव से भी मल्टीप्लाई करना सिमिलरली इस टू से डिवाइड करोगे टेन से फाइव मिलेगा फाइव को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो आप देखोगे कि दोनों का डिनोमीटर क्या हो गया सेम हो गया डिनोमीटर सेम हो गया अब ऊपर वाले नंबर देखो ये माइनस फोर है फाइव है इन दोनों के बीच में अगर हम नंबर देख रहे थे तो आई थिंक एट और नाइन निकल रहे थे तो हमें टेन चाहिए थे तो अगर फाइव चाहिए होते तो हम यहीं पर इसको इस, इसके बीच में नंबर जितने थे उसमें से फाइव ले लेते हमारा आंसर सॉल्व हो जाता बट हमें चाहिए थे और नंबर्स तो हमें अगर और नंबर चाहिए तो क्या करेंगे हम न्यूमरेटर को बड़ा कर देते हैं न्यूमिनेटर जब बड़ा हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएंगे नंबर गैपिंग मतलब बढ़ जाएगी गैपिंग बढ़ जाएगी तो हमें नंबर्स मिल जाएंगे टेन से ज्यादा हो सकता है मिल जाए ठीक है यहाँ पर जैसे कि टेन से ज्यादा है नंबर्स तो हम यहाँ पर क्या करेंगे हम इसके इक्वावैलेंट फ्रैक्शन लिखेंगे हमें पता है इक्वलेंट रेशनल नंबर्स कैसे निकालते हैं इक्वालेंट फ्रैक्शन कह लो या इक्वाल इक्वावैलेंट रेशनल नंबर कह लो तो हम उसको क्या करते हैं सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमीटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका क्या होता है हमारा इक्वा फ्रैक्शन रेशनल नंबर कहलाता है राइट right. तो हमने क्या किया टू से सबसे पहले कर दिया क्योंकि हमें ज़्यादा बड़ा चाहिए नहीं था टेन ही चाहिए थे हमें नंबर्स हमें एट नाइन पहले से मिल रहे थे तो हमने क्या कर दिया टू से कर दिया टू से जब किया तो माइनस एट बाई ट्वेंटी आया और टेन बाई ट्वेंटी आया इनके बीच हमने नंबर्स देखे तो हमारे पास बहुत सारे थे तो हमें उनमें से हमने क्या कर लिए ये टेन नंबर्स ले लिए याद रखिएगा इन दोनों के बीच में नंबर हमेशा लिखिएगा ये दोनों नंबर एक्सक्लूडेड होते हैं मतलब ये काउंट नहीं होते हैं याद रखिएगा अगर ये आपने लिख दिए तो वो एट ही काउंट होंगे ये लिख दिया और ये लिख दिया साथ में एट और लिख दिए तो टेन नहीं होंगे वो एट ही काउंट होंगे याद रखना ठीक है तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में जितने भी हमें रेशनल नंबर चाहिए कैसे निकालते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग टिल देन गुड बाय